हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, कार्बन है उसके टाइप के बारे में बताया, और आज हम स्टार्ट करेंगे छोटा सा पॉइंट और लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। कई बार तो कार्बन चेन एकदम एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है, ठीक है, कंटिन्यूअस कार्बन अटैच रहते हैं, ठीक है, और कई बार उसकी ब्रांच निकली रहती है। जब वो एक कंटिन्यूअस लाइन में मिलती है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रेट चेन, या उसी को बोल देते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन, या उसी का नाम होता है एन एल्केन। और जब वो ब्रांच में रहती है तो अगर सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन और अटैच होता है तो वहां पर उस ब्रांच का नाम होता है आइसो। सेकेंड कार्बन पे या लास्ट सेकेंड कार्बन पे दो कार्बन एटम अटैच रहते हैं तो उसको बोल देते हैं नियो। किस टाइप से ब्रांच चेन बनती है, कैसी स्ट्रेट चेन आती है, इसको आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। और टाइप्स ऑफ कार्बन चेन में फर्स्ट लिखेंगे स्ट्रेट चेन एल्केन ऑब्लिक एन एल्केन। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन, और इसी का नाम होता है एन एल्केन। स्ट्रेट चेन एल्केन ऑब्लिक एन एल्केन, ठीक है। एन एल्केन या स्ट्रेट चेन एल्केन में क्या होगा, एल्केन होता है वो एक कंटिन्यूअस चेन में कार्बन अटैच होने से बनता है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन या फिर एन एल्केन। लिखेंगे द एल्केन कंटेनिंग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, द एल्केन कंटेनिंग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। क्या बताया, द एल्केन कंटेनिंग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन एल्केन ऑब्लिक एन एल्केन। एन एल्केन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल एल्केन। एन एल्केन यानी नॉर्मल एल्केन। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिखा, आपको इसको डिनोट करना तो बताई दिया था, कितना कार्बन है, वन, दो लाइन जहां पर टच करती है वहां पर भी कार्बन होता है टू, और ये थ्री, तो क्या हो गया प्रोपेन। तीन कार्बन है कंटिन्यूअस अटैच है तो ये वाला क्या हो गया एन प्रोपेन, ये हो जाएगा एन प्रोपेन। ऐसे बेटा मैंने ये मान लिया फोर कार्बन कंटिन्यूअस अटैच है, वन टू थ्री फोर, टर्मिनल पे कार्बन माना जाता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, और जहां पर लाइन मिलती है ना आपस में दो या तीन जितनी भी, वहां पर भी कार्बन होता है। तो फोर कार्बन का क्या होता है ब्यूटेन, और कंटिन्यूअस चेन बन रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे एन ब्यूटेन, ये हो गया एन ब्यूटेन। ऐसे और बना सकता हूं मैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन के लिए क्या होता है पेंटेन, और कंटिन्यूअस चेन होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे एन पेंटेन, ये हो जाता है आपका एन पेंटेन। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैंने ये एक एग्जांपल लिखा CH3CH2CH2CH2CH3, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन प्रेजेंट है। अब आपको ये बताना है ये स्ट्रेट चेन या नॉर्मल एल्केन है या नहीं, यस और नो में बताना है। तो आप देखिएगा, बच्चे सोचते हैं ये चेन इधर निकली होगी, ये तो ब्रांच होगी, अरे ब्रांच नहीं है, ये देखो कंटिन्यूअस ही है। ब्रांच क्या होगी जब सेकेंड कार्बन पे या किसी और कार्बन पे एक से ज्यादा कार्बन है, ये तो कंटिन्यूअस है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये क्या होगा स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। तो ये थी बेटा स्ट्रेट चेन, या फिर इसी का नाम क्या होता है स्ट्रेट चेन एल्केन, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं नॉर्मल एल्केन। फिर से बता रहा हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन चेन, दो टाइप की होगी, स्ट्रेट चेन कंटिन्यूअस कार्बन एटम जुड़ा होगा, और वहां पर अगर साइड में और कार्बन अटैच जुड़ा हो, कार्बन अटैच हो कंटिन्यूअस के साइड में, कोई एक या एक से ज्यादा ब्रांच निकली हो तो उसको बोल देते हैं ब्रांच चेन एल्केन। नोट कीजिएगा इसको, नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांच चेन एल्केन लिखेंगे, ब्रांच चेन एल्केन, ब्रांच चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन है, वैसे ही सेकेंड वन क्या होगा ब्रांच चेन एल्केन,
ब्रांच्ड चैन एल्केन, ब्रांच चैन एल्केन। तो बेटा क्या होगा, कंटिन्यूअस एल्केन जब एक या एक से ज्यादा ब्रांच रखती हो, वन और मोर देन वन ब्रांच रखती है, तो उसको क्या बोल देंगे, ब्रांच चैन एल्केन। तो ये कब आएगा, व्हेन व्हेन कंटिन्यूअस चैन, व्हेन कंटिन्यूअस कार्बन चैन, व्हेन कंटिन्यूअस कार्बन चैन हैव वन और मोर देन वन, हैव वन और मोर देन वन, व्हेन कंटिन्यूअस कार्बन चैन हैव वन और मोर देन वन ब्रांच ब्रांचेस ब्रांचेस, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड ब्रांच चैन एल्केन, देन इट इज कॉल्ड ब्रांच्ड चैन एल्केन। तो बेटा क्या बताया, जब कंटिन्यूअस कार्बन चैन में एक या एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या बोल देंगे, ब्रांच चैन एल्केन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर इसके भी टाइप बताऊंगा। ब्रांच चैन एल्केन भी दो टाइप की होती है, एक तो होता है आइसो एल्केन और एक होता है नियो एल्केन, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने यहां पर यह लगा दिया सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री, चलो यहां मैंने सी एस थ्री लिख दिया। तो बेटा यहां पे देखो ये स्टेट चेन तो ये थी, इसके साथ में यहां पर सेकंड कार्बन के ऊपर कोई एक और कार्बन आ गया, तो यहां पे एक ब्रांच मिल गई, एक से एक, एक से ज्यादा ब्रांच हो सकती है। कितने कार्बन का, वन टू थ्री फोर, फोर के लिए अब इसको बेटा आप क्या, इसको आप ये बोल सकते हो क्या, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन तो कब होता है, जब कंटिन्यूस जुड़ा होता है। अब यहां पर देखो चार कार्बन का है, नॉर्मल नेम बता रहे हैं इसका, सेकेंड कार्बन पे ऐसे ब्रांच निकली होती है तो उसका नाम होता है आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और बताते हैं, नोट कर लीजिए टाइप ऑफ ब्रांच चेन और पढ़ते हैं हम, लिख लिया इसको। देखो ब्रांच चैन एल्केन है, इसके टाइप्स बता रहे हैं, ब्रांच चैन एल्केन है, इसके टाइप्स बता रहे हैं। मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, दो कैटेगरी में इसको मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूं। ब्रांच चैन एल्केन कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज में और डिवाइड इसको हम कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। एक तो होता आइसो एल्केन, आइसो एल्केन, और एक होता नियो एल्केन, नियो एल्केन। आइसो एल्केन क्या होता है, नियो एल्केन क्या होता है, जब कंटिन्यूअस कार्बन चेन में सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसो एल्केन। और अगर वहां पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलोगे, नियो एल्केन। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बताया आपको, सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन हैज वन मिथाइल ग्रुप, हैज वन मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच चेन, नॉन एज आइसो एल्केन। क्या बताया, सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन, लास्ट सेकेंड कार्बन बोल दो या सेकेंड कार्बन हो, वहां पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच, उस एज ए ब्रांच चेन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो एल्केन। देखो मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहां पर लिखा ये बना दिया, देखो यहां पर कार्बन है, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पर कार्बन है, इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन तो आपको आ चुका होगा अभी तक। सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, कार्बन कितना है, फोर, फोर के लिए क्या होता है, ब्यूट लगाते हैं, लेकिन वहां पर नॉर्मल चेन नहीं है, सेकेंड पर क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो जनरल नाम क्या होगा इसका, आइसोब्यूटेन बोलेंगे इसको, क्या होगा, आइसोब्यूटेन। यह बेटा ऐसा होता, ऐसा होता,
तो यहां पे देखो कितना कार्बन है, इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये सी एच थ्री है, ये सी एच टू, ये सी एच सी एच थ्री, ऊपर लिखा लिख देता हूं, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, सी एच थ्री सी एच थ्री। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे, या लास्ट सेकेंड भी बोल सकते हो, वैसे काउंटिंग भी सिखाएंगे अभी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन। पांच कार्बन का क्या होता है, पांच कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पेंटेन होता है, और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसो वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, आइसो एल्केन या आइसो पेंटेन। नियो एल्केन कब कहा जाता है, नियो में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन या नियो एल्केन लिखेंगे। सेकेंड कार्बन और सेकेंड या लास्ट सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन, एक ही बात, कार्बन हैज टू मिथाइल ग्रुप, हैज टू मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच चेन, एज ए ब्रांच के आर नोन एज नियो एल्केन। क्या बताया, अगर सेकेंड कार्बन पे वो लास्ट सेकेंड हो या सेकेंड हो, वहां पर एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप होता है, तब तो वो क्या होता है, आइसो एल्केन, और वहां पर एज ए ब्रांच टू मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, नियो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, जैसे ये दे दिया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ये दे दिया। चलो भाई एक एग्जाम्पल लिखा इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जब भी सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप एज ए चेन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, नियो। तो पांच कार्बन का पेंटेन होना चाहिए था, लेकिन सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप की चेन आ गई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नियो पेंटेन। ये होता है नियो पेंटेन। तो बेटा ये हमने कैटेगराइज किया है, किसको कैटेगराइज किया, टाइप ऑफ कार्बन चेन लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज आपको समझाएंगे, सब टॉपिक बना के मैं आपको बताऊंगा, जीरो से स्टार्ट किया, फिर से बोल रहा हूं। आज की इस लेक्चर में हमने क्या देखा, टाइप ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को कैसे कैटेगराइज करते हैं। कई बच्चे बेटा एक चीज माइंड से निकाल दीजिए, कई बच्चे सोचते हैं ये तो सर बहुत सिंपल सी चीजें बता रही है, तो मेरे को आता है, मैं फिर दो तीन लेक्चर के बाद में देखने स्टार्ट करूं, तो ऐसा मत करना, बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आएंगे जो आगे से फिर रिलेवेंट होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे, इसलिए सारे लेक्चर देखना है, या आपको थोड़ा आता तो दो की स्पीड से देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के फिर देख लेना, ठीक है, लेकिन कुछ भी मिस मत करना। तो बेटा आपको बताया, आज टाइप ऑफ कार्बन चेन में दो की स्टेट चेन, जिसको एन एल्केन बोल देंगे, ब्रांच में दो टाइप की होती है, आइसो एंड नियो। आइसो में क्या होता है, सेकेंड कार्बन या लास्ट सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, नियो में क्या होगा, सेकेंड कार्बन या लास्ट सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक और सब टॉपिक पढ़ते हैं, नोट कीजिएगा। नोट कर लिया, आगे देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे एल्केन होता है वैसे एल्काइल ग्रुप और होता है, उसका फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने, मिटा दें, देखिएगा हेडिंग लिखेंगे एल्काइल ग्रुप, नेक्स्ट हेडिंग है अपना एल्काइल ग्रुप, नेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। बेटा किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में जो ग्रुप बचता है उसको बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप, लिखेंगे द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, ऑब्टेन्ड by removal of one hydrogen atom, by removal of one hydrogen atom from corresponding alkene, from corresponding from
करेस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, इज कॉल्ड एस एल्काइल ग्रुप। तो बेटा आपको क्या बताया, किसी भी एल्केन से, करस्पॉन्डिंग एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोल देंगे, एल्काइल ग्रुप। देखो ये होगा एल्काइल ग्रुप, मैं एल्केन उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो मैंने ये बता दिया ये है एल्काइल ग्रुप, ये हो गया आर। आर क्या होता है, सी एस थ्री सी टू एस फाइव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा एल्केन, ये होता है एल्केन, इससे मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, माइनस हाइड्रोजन। तो यहां पर जो आर बचेगा, यहां पर जो आर बचेगा इसी को क्या बोल देंगे, एल्केन के रेस्पेक्ट में एल्काइल। तो बेटा आपकी डेफिनेशन क्या थी, द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एल्केन। तो ये करेस्पॉन्डिंग कोई एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो ग्रुप बचता है उसको क्या बोल दोगे, एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्केन है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और यहां पर आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बचेगा, CnH2n+1। ये एल्केन होता है तो ये वाला क्या होगा, एल्काइल, एल्केन, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, एल्काइल। तो बेटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने से जो ग्रुप बनता है उसका नाम होता है एल्काइल। जैसे मैंने ये बोल दिया मेथेन, ये CH4, ये क्या होता है, मेथेन। यहां से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बच गया यहां पर, मिथाइल CH3। तो मेथेन एल्केन का क्या होता है, एल्काइल, तो मेथेन का क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो ये क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल। ऐसे देखो ये एथेन CH3, ये होता है दो कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन होता है ना एल्केन, ये होता है एथेन। इससे भी आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बचा, CH3CH2। ये तो एथेन से क्या बन जाएगा, एथाइल, एथेन से क्या बन गया, एथाइल। तो बेटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। तो मेथेन से मिथाइल, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ये होते हैं। और बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में मैं लिखवाता भी हूं, कि नॉर्मल एल्केन, नियो एल्केन और आइसो एल्केन, इनसे हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में 1 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप बनता है, जबकि प्रोपेन होता है ना प्रोपेन, उससे 2 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप बनता हो, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में और देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। बेटा नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने कैमरे को थोड़ा सेट किया, देखो दिखाई दे रहा है ना, एथेन से क्या हो गया, इथाइल, ठीक है, नोट कर लिया। अब नीचे तक का भी दिखाई दे रहा है, आगे देखिए। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखेगा कि ऑल नॉर्मल आइसो नियो एल्केल ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को छोड़कर सारे क्या होते हैं, 1 डिग्री होता है। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, 2 डिग्री होता है। किस टाइप से बनता है उन सबको देखेंगे डिटेल में। पहले मैं इसका नोट बता देता हूं, क्या पढ़ रहे हैं, नोट लगा के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है ये, या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे ऑल नॉर्मल आइसो नियो एल्केन ग्रुप आर प्राइमरी, ऑल नॉर्मल स्मॉल एन किसको बता रहा है, नॉर्मल आइसो एंड नियो एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, या उसी को क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री, एंड नियो एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, या इसी को बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, 1 डिग्री। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर,
आइसोप्रोपाइल विच इज सेकेंडरी 2 डिग्री क्यों होता है उसका रीजन भी पढ़ेंगे हम. एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज सेकेंडरी, यानी ये क्या कर सकते हो, वो क्या होती है 2 डिग्री होती है. अब देखो मैं बता दूं जब आइसो है प्रोपाइल है आइसो है नियो है, जब इनको इसके कन्वर्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप के अंदर यानी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बनी रहती है, वो बरकरार रहती है, वो इंटैक्ट रहती है. जैसे आइसो वाला ग्रुप है वो वैसा का वैसा रहेगा, नियो वाला ग्रुप है वो वैसा का वैसा रहता है. ठीक है, देखो वाइल कन्वर्टिंग आइसो नियो एल्केन, वाइल कन्वर्टिंग आइसो एंड नियो एल्केन, आइसो एंड नियो एल्केन, जब आइसो नियो एल्केन को उसके एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं एल्केन इनटू आइसो एंड नियो एल्काइल, नियो एल्काइल कैसे करोगे, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को जब रिमूव करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आइसो और नियो वाली जो आपके ग्रुप होते हैं वे बने रहते हैं. तो लिखेंगे हाइड्रोजन एटम इज टू बी रिमूवल, हाइड्रोजन एटम टू बी रिमूवल या रिमूव्ड, हाइड्रोजन एटम टू बी रिमूव्ड सच दैट, कैसे रिमूव करना है, आइसो न्यू स्ट्रक्चर यूनिट इंटैक्ट इन द करेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप, जो करेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप आपका बन रहा है वहां पर न्यू और आइसो जो स्ट्रक्चर आपकी वो बनी रहती है, बरकरार रहती है, वैसे की वैसी रहती है. तो क्या लिखोगे, सच दैट आइसो एंड नियो, आइसो एंड नियो स्ट्रक्चर, आइसो एंड नियो स्ट्रक्चर यूनिट इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब उसी के अंदर वैसी की वैसी बनी रहती है, इन द करेस्पॉन्डिंग, इन द करेस्पॉन्डिंग, इन द करेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप. फिर इसके एग्जांपल से बताएं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. हम पढ़ रहे हैं बेटा एल्काइल ग्रुप, एक छोटा सा पॉइंट लिया, एल्काइल ग्रुप एल्काइल कैसे बनता है, कोई भी एल्केन ले लिया उसे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो एल्काइल बन गए. उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताएं, नॉर्मल आइसो और नियो एल्काइल है, नियो जो भी एल्केन है तो उसका जो एल्काइल बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इस टाइप से रिमूव करते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर का जो आइसो ग्रुप है नियो ग्रुप है वो वैसा का वैसा रहता है. लेकिन किसको छोड़कर, आइसो प्रोपाइल को, वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ उसको पढ़ेंगे. स्टेबिलिटी के रीजन होते हैं उसको देखना, इसको नोट कीजिएगा, फिर एग्जाम्पल से देखते हैं. नोट किया, अब देखो एग्जाम्पल से इसको नोट कर लिया, एन एल्काइल आइसो एल्काइल एंड नियो एल्काइल. देखेंगे लिखेंगे एन एल्काइल की बात कर रहे हैं, एन एल्काइल, एन एल्काइल किससे बनेगा, एन एल्केन से बनेगा. देखिएगा आपके पास में ये प्रोपेन, ये होता प्रोपेन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये तो आपको बता चुके हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या है. तो इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूं कि 0 से देखना बहुत जरूरी है. प्रोपेन है, इसे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2. ठीक है, 1 डिग्री से किया है तो क्या होगा, एन प्रोपेन था तो क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल. क्लियर होगा, एन प्रोपेन से क्या बनेगा, एन प्रोपाइल. जैसे बेटा ब्यूटेन होता CH3CH2CH2CH3, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री. ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन. तो यहां से हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो आपके पास में क्या मिल गया, CH3CH2CH2CH2. तो इसको क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल, ऐसे ही एन पेंटाइल, ये सब होंगे.
तो एन एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, 1 डिग्री वाले से रिमूव करेंगे, स्टेबिलिटी का रीजन होता है। जैसे जैसे आगे ये जीओसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो एन एल्काइल बनता है तो एन प्रोपाइल बन गया, एन ब्यूटाइल बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं आइसो एल्काइल, नेक्स्ट है आइसो एल्काइल। आइसो एल्काइल क्या है? आइसो एल्काइल, तो यहां पर बेटा आपको भी बताया कि आइसो स्ट्रक्चर रहेगी वो एल्काइल ग्रुप के अंदर भी इंटैक्ट रहेगी, बरकरार रहेगी। देखो जैसे मैंने ये लिखा CH CH3 CH3, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो यहां पर बेटा सभी देखोगे तो नॉट इक्विवेलेंट, बराबर नहीं है सब। चलो मैं इसको लिखूंगा आइसो ब्यूटेन, ये है आइसो ब्यूटेन, इससे हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे, नॉट इक्विवेलेंट, बराबर नहीं है सभी ग्रुप। जैसे इससे रिमूव किया इस वाले से तो ये वाला ग्रुप बचेगा, इससे रिमूव किया तो ये वाला ग्रुप बचेगा, ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है। CH CH3 CH2, ये बन गया। तो इसके अंदर हमने देखा, तो हमने ये देखा ये वाला है इसके अंदर बना है आइसो, तो इसी के कारण आ रहा था ना आइसो ब्यूटेन, इसके कारण आ रहा था, तो आइसो है वो तो इसके अंदर रिटेन है वैसा का वैसा है। तो हुआ क्या है, 1 डिग्री है ये, 1 डिग्री कार्बन से रिमूव हुआ तो 1 डिग्री एल्काइल, तो ये क्या होगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल बोल देंगे इसको, ठीक है, नोट कीजिए। और बताते एग्जाम्पल आइसो एल्काइल का, और एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, नोट कर लिया, और देखिएगा बेटा साथ साथ में इसको लिखते जाना है। और एग्जाम्पल इसी का मैं बता रहा हूं, आइसो का ही और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये है CH3 CH CH3 CH2 CH3, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, और सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है मिथाइल की, एक ही ब्रांच होती है तो नियो वर्ड काम में लेते हैं, 5 के लिए क्या होगा पेंटेन, सॉरी आइसो वर्ड काम में लेते हैं, एक होता दो होता तब क्या लेते हैं नियो, ये क्या होगा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, सब एक जैसे हैं क्या, नहीं, नॉट इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्विवेलेंट। तो यहां पर जैसे आपने हाइड्रोजन को हटाया यहां से तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2, तो आइसो ग्रुप है वो मेंटेन रहेगा इसके अंदर, तो इसको नाम क्या देगा 1 डिग्री बनेगा आइसो पेंटाइल, तो ये क्या होगा आइसो पेंटाइल, ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर बताते हैं नियो एल्काइल, कि नियो एल्काइल क्या होता है, नियो एल्काइल देखो बात कर रहे हैं नियो एल्काइल की, देखिएगा नियो एल्काइल, नियो एल्काइल क्या होता है, जैसे बेटा ये है नियोन आपका, सॉरी नियोन का नाम आ रहा है नियो पेंटेन मान लेता हूं मैं, एग्जांपल लिया, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, उसकी जो ब्रांच होती है तो उसके लिए क्या वर्ड काम में लिया था हमने नियो, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या नाम देंगे नियो पेंटेन, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, किसी से भी हाइड्रोजन हटवाओगे तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, नॉट इक्विवेलेंट, और ये वाला ग्रुप मेंटेन रहेगा CH3 CH3 CH2, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे, ये देखो नियो ग्रुप है ये मेंटेन, इसमें 1 डिग्री बन रहा है तो इसको क्या बोलोगे नियो पेंटेन, नियो पेंटाइल बोल देते हैं, ठीक है। एल्केन से क्या बना रहे, एल्काइल, कोई भी एल्केन उसका करेस्पॉन्डिंग एल्काइल बन जाएगा, और आपको बता रहे नॉर्मल
और आइसो और पेंटाइल में वो ग्रुप मेंटेन रहते हैं, इसके कारण क्या रहता है वो स्टेबिलिटी के कारण वो ग्रुप मेंटेन रहेंगे आपके, और स्टेबिलिटी के इफेक्ट धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे ना, तब ये समझ में आते जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री बन रहा है, ऐसे देखो मैंने ये लिख दिया CH3, CH2, CH3, क्या हो गया, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्सेन। लेकिन सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल की चैन लगी है, तो उसको क्या बोलोगे, नियो हेक्सेन। ये क्या होगा, नियो हेक्सेन। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो स्टेबिलिटी के कारण यहां से रिमूव करोगे तो नॉट इक्विवेलेंट है, ये ग्रुप मेंटेन रहता है। देखो हाइड्रोजन रिमूव करने पे ये बन रहा है CH3, CH2, CH2, 1 डिग्री से रिमूव हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन से क्या बन गया, नियो हेक्सेन। क्लियर हुआ। अब हमें तो बात करना है प्रोपेन का, कि प्रोपेन में ऐसा क्यों हुआ, तो प्रोपेन में आइसोप्रोपाइल है, उसको छोड़कर बाकी सभी क्या है, 1 डिग्री होता है, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखो आपके पास में था प्रोपेन, अब ध्यान दीजिएगा आपके पास में ये होता है CH3, CH2, CH3, ये आपका क्या होता है प्रोपेन, ये होता है प्रोपेन, और इससे हाइड्रोजन रिमूव करके दो टाइप के एल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये वाला क्या होता है 2 डिग्री। 1 डिग्री से आपने रिमूव किया, ये तो पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री से आपने रिमूव किया, ये 1 डिग्री से रिमूव किया था, तो ये क्या था, एन प्रोपाइल। 2 डिग्री से रिमूव करने के बाद में ये क्या मिल रहे हैं, एक जैसे इक्विवेलेंट मिल रहे हैं, तो 2 डिग्री से जब ये रिमूव करते हैं सी एच हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये 2 डिग्री से, 2 डिग्री से रिमूव करोगे तो 2 डिग्री वाला के लिए साथ में क्या गया, यहां से आपने रिमूव किया, तो इसकी वजह से इस पे नाम क्या दे देते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल, ये होगा आइसोप्रोपाइल। वैसे प्रोपेन से आइसो बनता नहीं है, लेकिन यहां पे रिमूव करने के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा टर्म दे दी जाती है, एक टाइप से एक्सेप्शन है, ये मान लेना, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल। और यहां पे देखिए कौन से कार्बन से रिमूव हो रहा है, 2 डिग्री से, इसलिए इसको क्या बोल दिया, 2 डिग्री। ये एक एक्सेप्शन है, एक टाइप से ध्यान रख लेना, आइसोप्रोपेन कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आइसोप्रोपाइल बता देते हैं किसके बेसिस पे, जब 2 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव करके इस टाइप का एल्काइल ग्रुप बनाते हैं, तो उसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, और ये बनने वाला आइसोप्रोपाइल कौन सा होता है, 2 डिग्री। मार्कर गिर गया, इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिएगा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ा, कि एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, कोई भी एल्केन है उसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल बनाते हैं, कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को अगर प्रोपेन से किया तो प्रोपाइल। फॉर्मूला ध्यान में रखना, कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है कि CnH2n+1 किसका फॉर्मूला है, किसका होगा, एल्काइल ग्रुप का, जो किससे बनना है, एल्केन से, ठीक है। और नॉर्मल हो या नियो हो या आइसो, कौन सा एल्काइल बनाते हैं, 1 डिग्री, लेकिन आइसो प्रोपाइल है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री। आइसोप्रोपेन नहीं होता, लेकिन इसको इसके बेसिस पे आइसोप्रोपाइल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक चीज पढ़ी है अपन ने, धीरे धीरे बेटा इनको अपन बिल्डअप करेंगे, छोटी छोटी स्टेप है, इसके थ्रू चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो छोटी सी ईंट होती है ना, उसको ऐसे बिल्डअप करके चलते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम तक बिल्ड कर लिया फिर छोड़ दिया फिर ऊपर से स्टार्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, तो कंटिन्यूस चलना है, वैसे हम चल रहे हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, उससे पहले हमने हिस्ट्री भी पढ़ी, फिर छोटे छोटे बिल्डअप कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको लिखा कैसे जाता है, उसको किस टाइप से डिनोट करोगे, उसकी कैसे कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, ठीक है। और आज हमने पढ़ा एल्काइल ग्रुप है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।